क्या आप बार बार आइल्स का एग्जाम देके परेशान हो चुके हैं क्योंकि आपकी रिक्वायर्ड बैंड स्कोर फुलफिल नहीं हो पा रहे और आपको ये लग रहा है कि काश आपकी लाइफ में कोई ऐसे फरिश्ते आए या ऐसे लोग आए जो घर बैठे बैठे आपको एक बढ़िया सी TRF डिलीवर करे, जैसे कि आजकल घर बैठे बैठे टेस्टी फूड जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर होता है। आपको भी ऐसा लगता है कोई ऐसी TRF है जिसमें आपके 7 बैंड 8 बैंड आप 6.5 बैंड आए जिससे आपकी बैंड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और आप फटाफट वीज़ा की फाइल लगाएं एंड आपका वीज़ा लग जाए और आप कनाडा चले जाएं। तो ये वीडियो आप बहुत ही ध्यान से सुने क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम कालरा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊँगी जो आपकी इन्हीं ख्वाहिशों का फ़ायदा उठाकर अपनी जेबें भर रहे हैं। यस, वो आपसे पैसे लेते हैं, वो ये दावा करते हैं कि आपको आइल्स का एग्ज़ाम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एंड वो सारा कुछ आपके लिए अरेंज कर देंगे। चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो वहाँ पर आपके लिए सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे आपको कि आपको कोई दिक्कत ना आए। कुछ ऐसी कमिटमेंट्स करते हैं जिससे आपको लगता है कि यू आर इन अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। तो मैं आज आपके सामने एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ जो कि गुजरात की है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन एक पिछले 4 सालों से ऐसा रैकेट चला रहा था जो 950 कैंडिडेट्स को अभी तक कनाडा भेज चुका है सिर्फ इन्हीं इलीगल मेथड्स के थ्रू। नाउ द क्वेश्चन इज़, ये पर्सन कैसे पता लगा इसके बारे में और पुलिस को कैसे पता लगा और क्या हुआ, तो मैं आपको ये भी बताती हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि गुजरात के 9 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये रैकेट चल रहा था। मैं आपको नाम भी बताती हूँ, राजकोट, वडोदरा, महसाना, अहमदाबाद, नवसरी, नाडियाड एंड आनंद। यहाँ पर इन्होंने, ये लोग क्या करते थे, ये 14 लाख रुपीज़ पर कैंडिडेट कलेक्ट करते थे और उनको रिज़ल्ट दिलवा के उनको आइल्स की TRF दे देते थे एंड बच्चों का वीज़ा लग जाता था, जैसे भी उन्होंने जाना होता था वो चले जाते थे बाहर। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 4 जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस तरीके से अपना आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर किया, वो किसी एक इलीगल एक्टिविटी में ट्रैप हुए US में एंड जब कोर्ट की कार्रवाई हुई तो ये बच्चे, आप सुन के हैरान होंगे कि जिनके 7 और 8 बैंड वाली TRF थी, ये वहाँ पर कोर्ट में कुछ भी नहीं बोल पाए, कुछ समझ नहीं पाए, जिस वजह से मजबूरी में US कोर्ट को हिंदी ट्रांसलेटर की ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने हिंदी ट्रांसलेटर अरेंज किया एंड तब जाके जो भी कार्रवाई थी तो वो पूरी हुई एंड उन पे सख्त एक्शन लिया गया है उन लोगों पे, और आप ये समझिए कि उनका पूरा करियर ख़राब हो चुका है। सेकेंड इंसिडेंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो हमारे पंजाब का या लुधियाना का है, जहाँ पर, इससे पहले मैं आपको गुजरात का एक और वाक्या बताना चाहती हूँ, जहाँ पर क्या होता था कि बच्चों को जो आइल्स के एग्ज़ाम देने जाते थे कुछ इस तरीके का प्रोविज़न करते थे कि जहाँ पर एग्ज़ाम का वेन्यू होता था वहाँ के CCTV कैमराज ऑफ कर दिए जाते थे एंड डमी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल में भेजा जाता था। सपोज़ आपने अगर आइल्स का एग्ज़ाम देना है तो सारी डिटेल्स आपकी ही होंगी लेकिन एग्ज़ाम देने कोई और जाएगा। आई होप आप लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात की होगी जो आपको ये एश्योरेंस देते होंगे कि हम आपका एग्ज़ाम क्लियर करवा देंगे, आपकी जगह कोई और एग्ज़ाम देने जाएगा। तो सेम चीज़ वहाँ पर हो रही थी, डमी स्टूडेंट्स, डमी कैंडिडेट्स भेजे जाते थे, CCTV कैमरा ऑफ रखे जाते थे ताकि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो एंड वहाँ पर भी ये जो है ये लोग पकड़े गए हैं और इनका रैकेट जो है वो डिस्क्लोज हो चुका है, सबको पता लग गया है। एंड अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि लुधियाना में जो केस हुआ वो ये था कि लुधियाना में भी इसी तरीके से हाईली सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करवाया जाता था एंड हाईटेक गैजेट्स थे। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनमें से एक पर्सन जो है ही इज़ रनिंग एन आइल्स एकेडमी एंड 3 हैव बीन कॉट बट 1 इज़ एब्सकॉन्डिंग। इसका मतलब ये है कि 3 लोगों को पकड़ा जा चुका है लेकिन एक जो है वो
पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आया और पुलिस ने 12 इस तरीके के गैजेट्स सीज किए हैं जिनकी हेल्प से ये लोग आइल्स का एग्ज़ाम बच्चों को अटेम्प्ट कराने में उनकी मदद कर रहे थे। तो ये इन लोगों के खिलाफ तो एक्शन हुआ ही है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप इस तरीके के कोई भी इल्लीगल मेथड इलेजिटिमेट स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं अपना आइल्स का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए, देन आपको भी उसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे, बिकॉज आपको बार कर दिया जाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, जिस वजह से आपका गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारे नॉलेज में भी एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोई मिस्टेक नहीं थी, बट उनके आसपास कुछ इस तरीके की इल्लीगल हरकतें हो रही थी, एंड ऑन द स्पॉट देवर कॉट, उन लोगों को पकड़ लिया गया। बट ये जो इनोसेंट स्टूडेंट्स थे, इनोसेंट कैंडिडेट्स थे, इन पर भी इंक्वायरी हुई और ये इंक्वायरी 6 मंथ्स तक चली है, मैं आपको बता दूं। एंड आफ्टर 6 मंथ्स IDP ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी उसमें यही उसने लिख के भेजा है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, अब उसको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो वहाँ पर बैठे हुए थे जिनका कोई रोल भी नहीं था। एंड जो इन्वॉल्व थे उनको तो काफ़ी टाइम के लिए एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ करेंगे नहीं, परमिशन मिलेगी नहीं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि दैट यू आर इन अ बिग रिस्क, बिकॉज नॉट ओनली यू विल लूज योर मनी बट ऑल्सो योर होल करियर विल बी रुइंड, एंड आपके जो सपने हैं, इट्स बिल्कुल ठीक है ये बात कि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, बट उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए अगर आप इलीगल मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं या आप मेहनत करने से बच रहे हैं, तो रिज़ल्ट आपको अच्छा ज़रूर मिल जाएगा, बट वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होगा। सेकंड थिंग, रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा, आपके मन में हमेशा डर रहेगा, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में पकड़े जा सकते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, इट्स नॉट इंडिया वेयर यू कैन गिव अ ब्राइब, जहाँ आप रिश्वत दे के अपने आप को छुड़वा सकते हैं, तो वहाँ पर ये सब सिस्टम्स नहीं चलेंगे। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, अगर आपको आइल्स के एग्ज़ाम में अच्छे बैंड चाहिए तो एक ही तरीका है, वो हम सब जानते हैं कि सही तरीका मुश्किल ज़रूर होता है बट उसमें सक्सेस रेट 100% होता है। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप बेल आइकन प्रेस करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में भी मैं आपको बहुत सारी आई ओपनिंग न्यूज़ देने वाली हूँ, नॉट ओनली रिलेटेड टू आइल्स बट ऑल्सो रिलेटेड टू योर आइल्स प्रिपरेशन, बिकॉज इस चैनल बनाने का हमारा मकसद सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है, बल्कि आइल्स के एग्ज़ाम से जुड़े जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हम चाहते हैं कि आप उनसे वाकिफ़ हो, वो रूबरू हो, ताकि कोई भी आपके भोलेपन का और आपके ड्रीम्स का गलत फ़ायदा ना उठाए, आपको एक्सप्लॉयट ना करे। आप सब जानते हैं आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी है, एंड क्योंकि सिर्फ पैसा खर्च करने से ही सारा कुछ नहीं होता, आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जितने भी नोन हैं, जिनके मन में भी ये बात आ रही है कि बिना पढ़े और बिना मेहनत किए, या अब हम थक चुके हैं, अब हमसे पढ़ा नहीं जाता, तो हम ऐसे ही आइल्स का एग्ज़ाम हमारा कोई क्लियर करवा दे, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा मैं एक और आपको इंसिडेंट बता रही हूँ, एंड वो भी हमारा बहुत ही क्लोज़ यू नो एक्विंटेंस हैं, जान पहचान के हैं, जिन्होंने हमें खुद बताया कि उनको ये कमिट किया गया था, उनको आंसर्स बता दिए जाएंगे, यू नो रीडिंग लिसनिंग के पैसे ले लिए गए थे। पहले उनको बोला हम 15 डेज़ पहले बताएंगे, फिर उनको बोला 10 डेज़ पहले आंसर बताएंगे, अल्टीमेटली एग्ज़ाम वाला दिन आ गया बट किसी ने कोई रीडिंग लिसनिंग के कोई आंसर्स नहीं बताए, तो एग्ज़ामिनेशन की जो फ़ीस थी वो भी वेस्ट हो गई, और जो स्टूडेंट था वो पढ़ा ही नहीं, इस चक्कर में उसको लगा कि अब तो मुझे सारा एग्ज़ाम लीक हो जाएगा, मुझे सब पता लग ही जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों से आप अलर्ट रहें, अवेयर रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।